आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 अमेजिंग 1 पार्टी और वेडिंग के लिए, शादी पार्टी के लिए बहुत ही सुंदर से 5 बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, 1 हेयर स्टाइल है जो कि बेगिनर्स जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आती, सिर्फ ब्राइड बनाने आती है, तो आप ये सारी हेयर स्टाइल कर सकते हो शादी पार्टी के लिए। बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता उनके लिए 5 अमेजिंग बहुत ही आसान हेयर स्टाइल है आज की वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिसको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता, शादी पार्टी में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा हेयर स्टाइल करें, तो ये सारी वीडियो उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से वो लोग शादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने बालों का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ बालों पे। इससे क्या होता है कि डॉल का जो हेयर होता है वो बहुत अच्छे से फुल मैनेज रहता है और आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत नहीं आती। ओके, तो अच्छे से मैं इसको यहाँ पे कॉम कर ले रही हूँ। आप एक बार ये ट्राई जरूर कीजिए। जब आप एलोवेरा जेल लगाते हैं ना, आपके बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और कम भी फंसते नहीं रहते। ओके, मैंने बस लेंथ में लगाया है, अपर में नहीं लगाया हुआ है। इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लेंगे और यहाँ पे एक रबड़ लगा देंगे। ओके, इस तरीके से वीडियो पूरा एंड कर देखिएगा हेयर स्टाइल्स और बन देखने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बन मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे से रबड़ लगा दिया है और इसको मैं सुलझा लेती हूँ बालों को। अगर ये एलोवेरा जेल नहीं लगा होता तो बहुत दिक्कत आता है वो डॉल के डमी के हेयर सुलझाने में, लेकिन एलोवेरा जेल से बहुत काफ़ी हेल्प हो गया। इसी वजह से मैं डमी के हेयर स्टाइल भी नहीं बता पाती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन जब से एलोवेरा जेल ट्राई करती हूँ तब से बहुत अच्छे से मेरा हेयर स्टाइल बन जाता है। उसके बाद हमको इस तरीके से पोनी बना लेना है। उसमें जो सिंपल ब्राइड आप लोग बनाते हो, सिंपल 3 लेयर वाली चोटियाँ, ये सबको आती होगी, नहीं आती है तो देख लीजिए। सिंपल इस तरीके से 3 लेयर में बालों को डिवाइड कर लेना है। उसके बाद से आपको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ाते हुए बना लेना है सिंपल से ब्राइड। ब्राइड बनाने के बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको खींच लेना है और वॉल्यूम बनाना है बालों में, वॉल्यूम लाना है ब्राइड में। ओके, इस तरीके से पूरा चौड़ा कर देना है और ये जो हमारा नीचे का हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पे एक रबर लगा देंगे। रबर लगाने के बाद ये वाला हिस्सा हमारा जो नीचे हमने पोनी बनाई थी उस वाले रबर में इस तरीके से लेके जाना है और इस वाले हिस्से को ऐसे अंदर की तरफ खींच देना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका ये ब्राइड है इसका एक पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे आपको यू पिन की मदद से इसको सेट कर लेना है। ओके, अच्छे से यू पिन लगा देना है। दो तीन यू पिन लगा लीजिए ताकि ये खुले ना। ओके, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा बन का लुक आया है यहाँ पे। अच्छे से सेट करके ये जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है यहाँ पे साइड में, इसको पोनी के अंदर ही इस तरीके से बना लेना है और यू पिन से पूरा हेयर अच्छे से हेयर स्टाइल सेट कर लेना है साइड में, नीचे जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो कि आपका बन अच्छे से बन जाए वैसे आप यहाँ पे लगाओगे रबड़। तो ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे हमारा बन बन के रेडी हो गया और कितना इजी है। और आप इसको चाहो तो जो स्टोन वाले यूपिंस होते हैं उससे सजा सकते हो इस तरीके से, और भी अच्छा लुक दिखाने के लिए जुड़े का। ये हमारे फर्स्ट बन का फाइनल लुक, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत सुंदर पार्टी भी ऐसा बन लगता है यहाँ पे हमारा। तो चलते हैं सेकेंड बन हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में भी आपको सिंपली ब्राइड बनानी, 4 मिनट चोटी पहले बना लोगे आप। 1, 2, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए और ये 2 पार्ट्स हो गए।
मतलब फोर लेयर में इसको ले लेना है पहले वालों को, ओके। उसके बाद से बीच वाले दोनों जो पार्ट्स हैं आपके, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे, ओके। अब सिंपली इधर वाला आप इसके ऊपर चढ़ाओगे और जो इधर वाला लेके जाओगे वो इसके नीचे से लेके जाओगे, ओके। ऐसे ही करके पूरी चोटी बना लेनी है। वैसे मैंने पूरा बारीकी से 10 अमेजिंग ब्राइड का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरी ब्राइड आपको यहाँ पे बना लेनी है, ओके। और यहाँ पे सिंपली आपको एक रबड़ लगा देना है, फिर से वही प्रोसेस करना है। ये जो हमारा पोनी का रबड़ है इसके अंदर इसको इन करना है और इस तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद फिर इसको सिंपली ऊपर की तरफ लेके जाना है और यू पिन से इसको भी सेट कर देना है, ओके। अच्छे से यू पिन्स लगा लीजिएगा, कहीं से आपका बन निकल ना जाए। अच्छे से इसको फैलाते हुए यहाँ पे अच्छे से यू पिन्स लगा के इसको अच्छे से सेट कर देंगे हम लोग। और ये हमारा सेकेंड वन हेयर स्टाइल होगा, इसको भी आप स्टोन वाले यू पिन से सेट कर। तो ये हमारा सेकेंड वन का फाइनल लुक है, फोर मिड चोटी विद वन। अब चलते हैं थर्ड वन हेयर स्टाइल की तरफ। तीसरे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है और जो खजूरी चोटी हमारी होती है वो बनाना है, ओके। यहाँ पे खजूरी चोटी हम लोग दिखेंगे। खजूरी चोटी उतने के लिए बालों को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और नीचे से लेके आएंगे हेयर को और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे और फिर से नीचे से हेयर लेके आएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ाते जाएंगे, ओके। इसी तरीके से पूरा ब्राइड बनाना है आपको। यहाँ पे हेयर आपको एकदम पोनी के नीचे से लेके आना है यहाँ से, ओके। तरीके से पूरा ब्राइड हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे। इस तरीके से पूरा ब्राइड बनाने के बाद से इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग खींचेंगे और वॉल्यूम क्रिएट करेंगे इसमें। उसके बाद आपको सिंपली इसको इस तरीके से लपेटना है और पिन अप कर देना है। इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है ये वाले ब्राइड का, और यू पिन से इसको सेट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये है इसका फाइनल लुक, इसको भी आप स्टोन वाले यू पिन से सेट कर सकते हो। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। इसी वाले ब्राइड को आप दो तरीके से मैनेज कर सकते हो अपने बन के लिए, पार्टी वेयर बन के लिए। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से, पहले तो मैंने इसको पूरा लपेट के बता दिया था, और पाँचवें हेयर स्टाइल में आप क्या करोगे, इसको सिंपली नीचे की तरफ इस तरीके से लेके जाओगे और जैसे मैंने ऊपर वाले और सारे हेयर स्टाइल में बताया था, यू पिन से इसको ऊपर की तरफ सेट कर दोगे, ओके। अच्छे से पकड़ के और सेट करोगे तो इजीली ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हेयर स्टाइल बनाने में। हाँ, अब इसी तरीके से यू पिन हर जगह से आप लगा दीजिए। इस तरीके से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और उस तरीके से जैसे मैंने बताया था वैसे भी आप सेट करोगे तो काफ़ी सुंदर सा लुक आएगा आपके बन का। तो आप देख सकते हो
तो ये है पांचवे बन का हमारा फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया हो और वीडियो भी अच्छी लग रही हो। वीडियो पर हेयर स्टाइल सारे अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये है 5 इजी पार्टी वियर वेडिंग बन हेयर स्टाइल है, जो कि बहुत ही इजी कोई भी बना सकता है, बहुत ही आसान, इतना आसान मतलब तरीका है कि कोई भी इसको बेगिनर्स भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता है, तो शादी पार्टी में आप इस तरीके से बन क्रिएट कर सकते हो और बहुत यूनिक सा डिफरेंट लुक अपने बालों को दे सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आई होप आप लोग को ये सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे हो और बहुत ही आसान है ना। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरीके की यूनिक वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिलाई कोच, जिसमें मैं अपनी सिलाई का काम सिखाती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। कुछ आपको यूनिक था, कुछ दिक्कत आती हो हेयर स्टाइल बनाने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँगी।